एवरी वन वेलकम बैक वेलकम टू वीडियो एंड इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं एक सर्टिफिकेट कैसे काम करता है एज अ वेब डेवलपर हम दिन में बहुत सारी वेबसाइट्स को विजिट करते हैं एंड हमें लगता है दैट एस सर्टिफिकेट एक बहुत ही सिंपल चीज़ है जो हमारे कनेक्शन को सिक्योर बनाते हैं बट इंटरनली ये एस एस सर्टिफिकेट्स होते क्या हैं ये वर्क कैसे करते हैं इनका पर्पज़ क्या होता है तो वो हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं सो इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल होने वाला है एंड इसके अंदर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होगी ओके नो इम्प्लीमेंटेशन ओनली अंडरस्टैंडिंग सो अपनी चाय एंड कॉफ़ी पकड़ो एंड बस आराम से इस वीडियो को देखो एंड विद दैट लेट स्टार्ट विद द वीडियो राइट right, तो बात करते हैं एस सर्टिफिकेट्स के बारे में सो so, जब भी हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं अगर आपने नोटिस किया होगा दैट हमारे पास एक सर्टिफिकेट होता है हर सिक्योर वेबसाइट का एक सर्टिफिकेट होता है सो यू कैन सी दैट ये मेरा सर्टिफिकेट है इस पर्टिकुलर वेबसाइट का सो यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास सर्टिफिकेट की कुछ डिटेल्स हैं बट एग्जैक्टली सर्टिफिकेट क्या होता है उसको हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं तो सबसे पहले बात करते हैं दैट जब भी हम इंटरनेट की बात करते हैं हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं वी हैव टू कंपोनेंट्स वन इज़ द क्लाइंट जिसको हम यूजर भी कहते हैं सो so लेट्स ये हमारा यूजर है जो इंटरनेट को यूज़ कर रहा है एंड दूसरे एंड पर हमारे पास एक सर्वर है राइट right? एक नोट जीएस का सर्वर भी हो सकता है सो यू कैन रिज्यूम दैट हमारे पास एक सर्वर है या फिर एक इंजन एक्स का सर्वर भी हो सकता है तो लेट्स एक इंजन एक्स इन दिस केस तो ये हमारे इंजन एक्स का सर्वर है राइट द होल पॉइंट इज़ दैट जो हमारा क्लाइंट है जो हमारा क्लाइंट है

इसके अंदर कोई भी एक मिडल मैन स्निफ कर सकता है करेक्ट कोई भी एक मिडल मैन अगर हमारे पास कोई हैकर है सो लेट से ये हमारा कोई हैकर है राइट right? हैकर, तो ये जो मिडल मैन है ये ईजीली इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को स्निफ कर सकता है राइट right? इसको वो ट्रेस कर सकता है तो इस चीज़ को कहते हैं मैन इन द मिडल अटैक सो मैन इन द मिडल अटैक तो इस पर्टिकुलर सिनारीओ में जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपने सर्वर के साथ वो सारी कम्युनिकेशन सारी चीज़ें वो लीक कर जाएंगी सो so डेटा लीक यहाँ पर पॉसिबल है विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया तो सबसे पहला स्टेप क्या है दैट हमें इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन को जो हमारा ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन है हमें इसको सिक्योर बनाना है करेक्ट जैसे मैं सिक्योर की बात करता हूँ तो आपके माइंड में क्या आता है यू विल से दैट ठीक है पीयूष अगर हमें इसको सिक्योर बनाना है तो हम किसी तरह के इंक्रिप्शन करेंगे राइट ठीक है बहुत बढ़िया यू हैव अ राइट आंसर दैट हमें इस पर्टिकुलर चीज़ को इंक्रिप्ट करना है अब यहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें स्टार्ट होती हैं इंक्रिप्ट कैसे करें ओके इंक्रिप्ट कैसे करें देखो अगर मैं इंक्रिप्शन के बेसिक्स में जाता हूँ सो लेट्स से आपके पास एक डेटा है सो लेट्स से ये हमारे पास कुछ डेटा है जिसको मुझे क्या करना है जिसको मुझे इंक्रिप्ट करना है सो लेट्स से ये हमारी कोई टेक्स्ट फाइल हो सकती है कुछ पासवर्ड हो सकता है तो इंक्रिप्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होती है आपको एक की चाहिए होती है सो लेट्स से ये हमारी की है करेक्ट ये हमारी की है एंड ये की इस डेटा को इंक्रिप्ट कर सकती है एंड यही की हमारे इस डेटा को डिक्रिप्ट भी कर सकती है विच इज़ गुड करेक्ट तो इस चीज़ को बोला जाता है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन ओके सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या होता है हमारे पास एक ही की होती है यही की हमारे इस डेटा को इंक्रिप्ट करती है एंड यही की हमारे इस डेटा को डिक्रिप्ट करती है ओके okay. नाउ लेट से ये जो पर्टिकुलर की है लेट से ये जो पर्टिकुलर की है ये हमारे क्लाइंट uh, के पास है राइट right? क्लाइंट क्या करता है एक की जनरेट करेगा दैट ये मेरी की है जिससे मैं अपने डेटा को इंक्रिप्ट करूंगा विच इज ओके तो ये हमारा डेटा है जो हमारा क्लाइंट हमें सेंड करना चाहता है एट दिस पॉइंट क्या होगा ये जो क्लाइंट है ये इस डेटा को इंक्रिप्ट कर देगा तो एक काम करते हैं इंक्रिप्शन को शो करने के लिए हम इसको रेड कर देते हैं रेड मीन्स ये इंक्रिप्ट हो चुका है तो यूजर ने अपनी की को यूज़ किया एंड इस डेटा को इंक्रिप्ट कर दिया ठीक है अब ये डेटा हमने सेंड कर दिया ओवर द गेट रिक्वेस्ट टू हमारे सर्वर के पास तो हमारे सर्वर के पास ये डेटा आ गया लेकिन प्रॉब्लम क्या है दैट हमारा ये जो सर्वर है इस डेटा को रीड कैसे करेगा क्या हमारा सर्वर इस डेटा को रीड कर सकता है नहीं क्यों बिकॉज उसके पास की ही नहीं है जो ये की है ये तो हमारे क्लाइंट के पास है ना तो ये की के बिना हमारा सर्वर भी हमारे डेटा को रीड नहीं कर सकता सो एट दिस पॉइंट किसी तरह से मुझे इस की को भी हमारे सर्वर को देना है अगर इस की को मैं ऐसे ही ट्रांसफ़र करने के ट्राई करूंगा तो ऑफकोर्स इस की की एक कॉपी एक हैकर भी तो रख सकता है राइट हम कीज़ को ऐसे ही अगर ट्रांसफ़र करेंगे कि सर्वर ये है मेरी की इस की को यूज़ करना इस डेटा को इंक्रिप्ट कर डिक्रिप्ट करने के लिए करेक्ट बट द प्रॉब्लम इज़ अगर आप कीज़ को ऐसे ट्रांसफ़र करोगे तो जो मैन इन द मिडल हैकर है जो मैन इन द मिडल है तो वो भी तो आपकी की की कॉपी रख लेगा राइट एंड जो भी आप फ्यूचर में कम्युनिकेट करोगे तो हैकर भी उस चीज़ को डिक्रिप्ट कर सकता है सो ये पर्टिकुलर चीज़ तो काम नहीं की राइट right? तो ओके okay, रिवर्ट करते हैं तो वापस चलते हैं तो प्रॉब्लम क्या है दैट ठीक है आई कैन यूज सम काइंड ऑफ इंक्रिप्शन मेरे पास की है लेकिन इस की को भी लाइक आई शुड हैव सेम की ऑन द सर्वर द बेसिक थिंग इज दैट मेरे पास सेम की होनी चाहिए सर्वर के पास भी दोनों के पास सेम की होनी चाहिए सिमेट्रिक की होनी चाहिए लेकिन हैकर के पास वो की की कॉपी नहीं होनी चाहिए

एक होती है हमारी पब्लिक की तो इसको हम बोलेंगे पब्लिक की एंड एक होती है हमारे पास प्राइवेट की तो ये क्या है ये एक प्राइवेट की है इनका पर्पस क्या होता है पब्लिक की किसी भी चीज़ को इंक्रिप्ट कर सकती है पब्लिक की किसी भी चीज़ को इंक्रिप्ट कर सकती है लेकिन प्राइवेट की ही है जो सिर्फ उसको डिक्रिप्ट कर सकती है ओके पब्लिक की डिक्रिप्ट नहीं कर सकती सो पब्लिक की इज यूज फॉर इंक्रिप्शन एंड प्राइवेट की यूज होती है डिक्रिप्शन के लिए विच इज़ ओके अगर ये आपको मैं हिंट दे रहा हूं दैट हमें यहाँ पर ए सीमिट्रिक ए सीमेट्रिक इंक्रिप्शन का यूज करना है क्या आप इसको यूज करके ये आर्किटेक्चर डिजाइन कर सकते हो ट्राई करो ठीक है वीडियो को पॉज करो ट्राई करो कि या हम ए सीमेट्रिक इंक्रिप्शन को यूज करके क्या हम किसी तरह से डेटा को सिक्योरली ट्रांसफर कर सकते हैं ठीक है यू ग्यूटर ट्राई उसके बाद गिव यू द आंसर ठीक है तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में क्या होगा सबसे पहले हमारे पास कुछ डेटा है जो हमें अपने क्लाइंट से हमारे सर्वर के ऊपर लेकर आना है सिक्योरली सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले हमारा जो ये सर्वर है जो हमारा ये सर्वर है इसके पास दो कीज़ होती हैं पब्लिक एंड प्राइवेट की तो ये पब्लिक एंड प्राइवेट की किसकी हैं सर्वर की हैं तो ये पब्लिक एंड प्राइवेट की को हम इधर ले आते हैं सर्वर क्या करता है अपनी पब्लिक की क्लाइंट को देता है सर्वर क्या करेगा अपनी पब्लिक की क्लाइंट को देगा तो ये जो हमारे सर्वर की पब्लिक की है इसकी एक कॉपी हमारे क्लाइंट के पास आएगी विच इज़ ओके तो हो सकता है बीच में जो ये हैकर है ये भी इसकी कॉपी रख ले विच इज ओके बिकॉज ये एक पब्लिक की है तो दिस इज़ मेंट टू बी पब्लिक तो ये पर्टिकुलर की जो पब्लिक की थी हमने अपने क्लाइंट को भी दे दी एंड हो सकता है हैकर ने भी इसको बीच में स्नफ कर लिया अब क्लाइंट क्या करेगा क्लाइंट अपनी एक सिमेट्रिक की जनरेट करेगा ओके okay. क्लाइंट क्या करेगा क्लाइंट खुद की एक की जनरेट करेगा ये क्लाइंट की की है तो इसको हम एक अलग कलर दे देते हैं ग्रीन तो ग्रीन का मतलब क्या key key है दैट ये क्लाइंट की की है क्लाइंट क्या करेगा अपनी की को ध्यान से समझना क्लाइंट क्या करेगा अपनी की को इंक्रिप्ट कर देगा क्लाइंट अपनी की को इंक्रिप्ट कर देगा यूजिंग दिस पब्लिक की ऑफ द सर्वर तो यानी कि सर्वर की पब्लिक की को यूज़ करके क्लाइंट ने खुद की की को इंक्रिप्ट कर दिया ठीक है अब ये जो डेटा बना जो ये नया डेटा बना जो ये डेटा है जिसके अंदर की है इसको हम अपने सर्वर के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे इसको हम अपने सर्वर को देंगे तो देखो जब ये चीज़ जा रही है अगर बीच में क्लाइंट इसको स्निफ करता है क्या वो इस चीज़ को ओपन कर सकता है क्या वो अपनी की को ओपन कर सकता है नहीं क्यों बिकॉज इस की को इस इंक्रिप्टेड की को ओपन करने के लिए हमें प्राइवेट की चाहिए एंड प्राइवेट की तो सिर्फ सर्वर के पास है तो ये सिक्योरली यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा करेक्ट तो इस की की एक कॉपी क्लाइंट के पास भी है ही बिकॉज क्लाइंट ने ही तो जनरेट की थी एंड ये हमारे पास यहाँ पर एक इंक्रिप्टेड डेटा आया अब सर्वर अपनी प्राइवेट की को यूज़ करके इस की को ओपन कर लेगा एंड एट दिस पॉइंट कैन यू सी दैट दोनों के पास सेम कीज़ हैं कैन यू सी दैट दोनों के पास सेम कीज़ हैं एंड अब इस डेटा को हम इस की के साथ इंक्रिप्ट करेंगे करेक्ट इसके साथ हम इसको इंक्रिप्ट कर देंगे ये इंक्रिप्टेड डेटा जब हम सेंड करेंगे तो हैकर तो इसको ओपन कर ही नहीं सकता क्यों बिकॉज उसके पास हमारी की नहीं है सर्वर के पास ये डेटा चाहेगा एंड सर्वर हमारी इस की को यूज़ करके इस डेटा को डिक्रिप्ट करेगा एंड इस डेटा को रीड करेगा तो यहाँ पर जो हमारा स्टेप वन था इसमें हमने क्या किया जो ये कीज़ हैं जो ये हमारी सिमेट्रिक कीज़ हैं इसको हमने सिक्योरली दोनों के एंड पे दोनों क्लाइंट एंड सर्वर के एंड पे हमने इसको शेयर किया कैसे हमने यहाँ पर एसेमेट्रिक इंक्रिप्शन का फ़ायदा उठाया पब्लिक की से क्लाइंट की की को हमने इंक्रिप्ट करवाया हमने वो इंक्रिप्टेड डेटा हमारे पास वापस आया एंड सर्वर की प्राइवेट की ने उसको डिक्रिप्ट किया एंड दोनों के पास सेम कीज़ हैं एंड हैकर के पास उस कीज की कॉपी नहीं है वेट यहाँ पर हमारा एस का टॉपिक खत्म नहीं होता है ठीक है हमने यहाँ पर एस सर्टिफिकेट की तो बात ही नहीं की हमने सिर्फ बात की है दैट एक इंक्रिप्शन कैसे पॉसिबल है अब इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर में बहुत बढ़िया दैट हम कीज़ को ट्रांसफर कर पा रहे हैं हम कीज को शेयर कर पा रहे हैं सिक्योरली डेटा को इंक्रिप्ट कर पा रहे हैं डेटा को डिक्रिप्ट कर पा रहे हैं यहां पर भी एक पॉसिबिलिटी है दैट आप हैक हो जाओगे क्या आप इस पॉसिबिलिटी को ढूंढ सकते हो आप वीडियो को पॉज करो कोई बात नहीं थोड़ा सा दिमाग चलाओ ब्रेन करो यहां पर हैकिंग कैसे पॉसिबल है जो अभी मैंने आर्किटेक्चर डिस्कस किया इसके अंदर हम कैसे हैक कर सकते हैं सो so, इसके अंदर हैकर क्या कर सकता है हैकर एक बहुत ही स्मार्ट पर्सन होता है करेक्ट सो वट हैकर कैन डू अगर मैं इन सब चीज़ों को कर रिवर्ट करता हूँ हैकर क्या करेगा हैकर बेसिकली कौन है महानिंदा मेडल अटैक तो वो क्या कर सकता है वो एक प्रॉक्सी की तरह एक्ट कर सकता है यहाँ पर विच मीन्स लेट से क्लाइंट आपको अपनी पब्लिक की दे रहा है क्लाइंट राइट क्लाइंट क्या कर रहा है आप सॉरी uh, सर्वर क्या कर रहा है आपको अपनी पब्लिक की दे रहा है हो सकता है हैकर ये वाली पब्लिक की अपने पास रख ले एंड इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना दे इस पब्लिक की की हैकर क्या कर सकता है डुप्लीकेट कॉपी बना सकता है जो इसकी जो इसकी पब्लिक की हैकर की पब्लिक की है तो इसको हम एक काम करेंगे इसको ना हम वो कर देते हैं इसको हम मार्क कर देते हैं ब्लू कलर या फिर इसको हम रेड कर देते हैं विच मीन्स दैट ये एक हैकर की पब्लिक की है एंड ये वाली की हम अपने क्लाइंट को दे देंगे ओके okay? ये वाली की हम अपने क्लाइंट को दे देंगे विच इज़ ओके एंड बिकॉज हमारे पास यहाँ पर एक पब्लिक की थी हैकर के पास अपनी एक पब्लिक की भी अपनी एक प्राइवेट की भी है करेक्ट हैकर के पास भी अपनी एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की है तो ये हैकर की प्राइवेट की है इसको भी हम रेड कर लेते हैं अब ये यूज़र क्या करेगा यूज़र खुद की की जनरेट करेगा ये यूज़र की जो क्लाइंट की की है जनरेट करेगा उसको वो क्या करेगा इंक्रिप्ट करेगा उसको इंक्रिप्ट करेगा यूजिंग ये वाली की एंड ये की किसकी है ये की हमारे हैकर की है ठीक है लेकिन क्लाइंट को नहीं पता करेक्ट जब ये वाली की वो वापस ट्रांसफर करने लगेगा तो क्या होगा एट दिस पॉइंट हमारा हैकर इस प्राइवेट की को यूज़ करके इसको डिक्रिप्ट कर सकता है इसको डिक्रिप्ट कर सकता है यूज़र की की को अपने पास स्टोर कर सकता है एंड खुद की खुद की एक की खुद की एक की यूजिंग दिस वन अपने सर्वर को सेंड कर सकता है तो इसने किया क्या बीच में ना एक प्रॉक्सी लेयर बना ली दैट कोई भी कम्युनिकेशन होगा वो डायरेक्ट डायरेक्ट सर्वर के साथ नहीं होगा वो मेरे थ्रू होगा क्ट right? तो जो भी आप कम्युनिकेशन करोगे जो भी आप कम्युनिकेशन करोगे वो एक्चुअली में आप अपने हैकर को दोगे हैकर उसको स्निफ करेगा एंड देन उसको वो फॉरवर्ड करेगा अपने सर्वर के ऊपर तो इससे हुआ क्या दैट आपको लगा दैट ये जो पर्टिकुलर की है ये एक की है, ये एक एक सेफ की 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 है है सर्वर बट एक्चुअली में ये की किसकी थी ये की थी हैकर की तो इस तरह से भी एक हैकर द मिडल अटैक कर सकता है क्या हम इस चीज से बच सकते हैं क्या हमारे पास कोई वे है दैट मैं इस पर्टिकुलर अटैक से बच पाऊं बिकॉज मुझे नहीं पता ना दैट मैंने तो अपने सर्वर को रिक्वेस्ट किया दैट प्लीज़ मुझे अपनी पब्लिक की दो मुझे क्या पता दैट वो की किसकी हो सकता है वो हैकर की पब्लिक की हो तो एट दिस पॉइंट हमारे पास एस एस एल सर्टिफिकेट्स का रोल आता है ओके इस पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है एस एस एल सर्टिफिकेट्स तो अब एस एस एल सर्टिफिकेट्स कैसे काम करते हैं देखो शुरू से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है दैट हमारे सर्वर के पास एक प्राइवेट की होती है एंड हमारे सर्वर के पास एंड हमारे सर्वर के पास एक प्राइवेट की होती है एक पब्लिक की होती है करेक्ट दिस इज स्कूल हमारा सर्वर क्या करता है हमारा सर्वर खुद को वेरीफाई करने के लिए एक एस एस एल सर्टिफिकेट बनाता है ओके एक एस एस एल सर्टिफिकेट अब ये जो एस एस एल सर्टिफिकेट्स होते हैं ये हम खुद नहीं बनाते ये हम किसी अथॉरिटी से साइन करवाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लेट्स इंक्रिप्ट ओके नॉट गेट्स लेट्स इंक्रिप्ट एक अथॉरिटी है तो हमारा सर्वर क्या करेगा जिस दिन हमारा सर्वर बनेगा ना हमारा सर्वर लेट्स इंक्रिप्ट को बोलेगा दैट हे लेट्स इंक्रिप्ट क्या तुम मेरे लिए एक सर्टिफिकेट बना सकते हो प्लीज़ तो लेट्स इंक्रिप्ट क्या बोलेगा दैट ठीक है आई विल क्रिएट अ सर्टिफिकेट फॉर यू बट इन रिटर्न मुझे अपने पब्लिक की दो ठीक है तो मेरी पब्लिक की है तो मैं बोलूंगा दैट हे लेट संक्रिप्ट ये मेरी पब्लिक की है मेरे को एक सर्टिफिकेट बना के दो ठीक है अब ये जो लेट्स इंक्रिप्ट है ये कौन है ये हमारा ईश्वर है तो ये लेट्स इंक्रिप्ट ईश्वर है ये हमें सर्टिफिकेट बना के देगा अब कहना है इस से दैट ये जो लेट्स इनक्रिप्ट है इसकी भी अपनी एक पब्लिक और प्राइवेट की है लेट्स इंक्रिप्ट की भी अपनी एक पब्लिक और एक प्राइवेट की है तो इसको हम बोलते हैं प्राइवेट की एंड इसको हम बोलते हैं पब्लिक की एंड ये किसकी लेट्स इंक्रिप्ट की है ठीक है ये लेट्स इंक्रिप्ट की है विच इज ओके अब लेट्स encrypt क्या करेगा लेट्स encrypt एक सर्टिफिकेट बनाएगा ओके okay? तो ये हमारा एक सर्टिफिकेट बना इसको हम ग्रीन कलर का रखते हैं ये हमारा सर्टिफिकेट है इस सर्टिफिकेट के ऊपर सबसे पहले वो बोल जाएगा दैट तुम्हारा डोमेन क्या है लेट्स ये मेरी वेबसाइट है दैट इज पीयूष घर डॉट डेव ठीक है तो ये सर्टिफिकेट किसके लिए बना रहा हूँ मैं पीयूष घर डॉट डेव के लिए बना रहा हूँ ओके okay. इसके अंदर मेरी जो पब्लिक की है जो मेरे सर्वर ने बनाई है इस पब्लिक की को मैं यहाँ पर रख दूंगा ओके okay. तो ये मेरी पब्लिक की है ओके okay. एंड इसको मैं क्या करूँगा इस सर्टिफिकेट को ना मैं साइन करूंगा इस सर्टिफिकेट को मैं क्या करूंगा साइन करूंगा तो सिग्नेचर्स कैसे होते हैं इस सर्टिफिकेट को कौन बना रहा है

तो अगर मैं इन चीज़ों को यूज़ करता हूं तो मेरा एक सिग्नेचर बन जाएगा जो भी सिग्नेचर बनता है जो भी इंक्रिप्ट होता है ठीक है इसको हम इंक्रिप्ट कर देंगे वापस से जो भी ये चीज़ बनती है इसको हम बोलते हैं सिग्नेचर एंड ये सिग्नेचर इस सर्टिफिकेट के अंदर हम यहाँ पे डाल देंगे तो ये हमारा एक सिग्नेचर बन गया तो यू कैन सी दैट ये एक सर्टिफिकेट बन गया बहुत बढ़िया इस सर्टिफिकेट को हम वापस कर देंगे हमारे सर्वर uh, के पास तो अब हमारे सर्वर के पास एक एस सर्टिफिकेट है जिसको किसने साइन किया जिसको साइन किया लेट्स इंक्रिप्ट ने ठीक है बहुत बढ़िया अब क्या होगा अब इसको वापस से करते हैं ठीक है अब इसको वापस से करते हैं तो ये हमारे क्लाइंट की की है अब जब भी हमें कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है जब भी हमें कम्युनिकेट करना है सबसे पहले हमारा सर्वर बोलेगा दैट प्लीज़ जो भी हमारे सर्वर की पब्लिक की है राइट जो हमारे सर्वर की पब्लिक की है सबसे पहले वो क्या करेगा वो बोलेगा दैट यार ये है मेरी पब्लिक की ठीक है हमारे सर्वर की पब्लिक की लेकिन हम श्योर नी दैट ये पब्लिक की किसकी है बिकॉज हो सकता है ये हाकर की पब्लिक की हो राइट बीच में इसको किसी ने इन्फर किया हो तो हमारा सर्वर ना की के साथ एक सर्टिफिकेट भी सेंड कर देगा की के साथ सर्टिफिकेट भी सेंड करेगा एंड हमारा सर्वर बोलेगा क्लाइंट को दैट भाई जो मैंने की भेजी है ना उसको प्लीज़ वेरीफाई करो इस सर्टिफिकेट से ठीक है अब इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे ये सर्टिफिकेट हमारा ब्राउजर देखेगा दैट ये सर्टिफिकेट किसने बनाया ये सर्टिफिकेट किसने बनाया ये सर्टिफिकेट लेट्स इंक्रिप्ट ने बनाया करेक्ट हु इज़ द इश्यूअर लेट्स इंक्रिप्ट तो हमारा सर्वर क्या करेगा हमारा सर्वर ना लेट्स इंक्रिप्ट के पास जाएगा ओके नॉट सर्वर आई मीन टू से क्लाइंट लेट्स इंक्रिप्ट के पास जाएगा एंड ये बोलेगा दैट भाई मेरे पास ना एक सर्टिफिकेट आया जिसको तुमने इशू किया है एंड क्या तुम तो मुझे अपनी पब्लिक की दे सकते हो क्या तुम मुझे खुद की पब्लिक की दे सकते हो ठीक है तो ये लेट्स इनक्रिप्ट की पब्लिक की हम यहाँ पर ले आते हैं ठीक तो है तो ये लेट्स इनक्रिप्ट की पब्लिक की है तो यहाँ पर हम बोलते हैं एल डॉट पब्लिक की ठीक है अब इस पॉइंट पे क्लाइंट के पास एक तो हमारे सर्टिफिकेट ईश्वर की पब्लिक की है एंड एक हमारे सर्वर की पब्लिक की है अब ये क्लाइंट क्या करेगा क्लाइंट इन दोनों को लेकर क्लाइंट इन दोनों को लेगा जो हमारे सर्वर ने पब्लिक की दी प्लस जो लेट्स इनक्रिप्ट की पब्लिक की है इन दोनों को इनक्रिप्ट करके देखेगा क्या सेम सिग्नेचर बन रहा है क्या सेम सिग्नेचर बन रहा है बिकॉज अगर ये पब्लिक की किसी और की हुई लट से हमारे हैकर की हुई तो ये सिग्नेचर वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा बट बिकॉज़ ये एक रियल पब्लिक की है जो हमारे सर्वर ने सर्टिफिकेट बनाते हुए यूज़ किया था तो ये पब्लिक की और ये प्राइवे पब्लिक की को यूज़ करके अगर ये सिग्नेचर वेरीफाई होता है दैट मीन्स येस ये पब्लिक की किसकी है ये पब्लिक की हमारे सर्वर की है किसी ने भी नेटवर्क के ऊपर इस पब्लिक की को चेंज नहीं किया ये किसी हैकर की पब्लिक की नहीं है ये सच में उसकी ही पब्लिक की है जिस डोमेन के साथ मैं बात कर रहा हूँ तो एट दिस पॉइंट आई कैन बी श्योर दैट ये पब्लिक की वैलिड है एंड मैं अपने कम्युनिकेशन को वेरीफाई कर सकता हूँ कैसे मैं अब अपने की को इंक्रिप्ट करूँगा यूजिंग दिस पब्लिक की इस की को हम सेंड करेंगे हमारा सर्वर इस की को ओपन करेगा एंड उसके बाद दोनों के पास सेम सिमिट्री की हो जाएगी एंड उसके बाद हम अपने डेटा को इंक्रिप्ट करते रहेंगे एंड हमारा सर्वर हमारे डेटा को डिक्रिप्ट करता रहेगा एंड टाटा साओ एक एस एस एल सर्टिफिकेट वर्क करता है ओके okay? तो अगर आप कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हो लेट से मैं अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ प्योशर डॉट डेव तो वॉट यू विल नोटिस इज दैट जैसे ही वेबसाइट ओपन होती है तो यहाँ पर हमारे पास क्या दैट uh, ये जो कनेक्शन है द कनेक्शन इज सिक्योर अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मेरे पास एक सर्टिफिकेट है अगर हम इस सर्टिफिकेट को देखते हैं इसको किसने इशू किया है इशूड बाय आर थ्री लेट सिंक्रिप्ट राइट एंड ये है हमारे सर्टिफिकेट के सिग्नेचर्स कैन यू सी दैट ये हमारे पब्लिक की है ये हमारे सिग्नेचर्स हैं ओके दैट डाटाज हाउइट वर्क एंड अगर आप डिटेल्स में जाते हो आप देख सकते हो दैट ये सर्टिफिकेट है इसका वर्जन क्या है इसका सीरियल नंबर क्या है इसका सर्टिफिकेट सिग्नेचर एलगोरिदम क्या है एंड ये एक्चुअल में सर्टिफिकेट क्या कैरी करता है सो दैट इज हाउ एक सर्टिफिकेट वर्क करता है एंड इस रीज़न के कारण ये जो लेट्स इंक्रिप्ट होता है या फिर जो भी सर्टिफिकेट अथॉरिटी होती है ये आपसे पैसे चार्ज करते हैं क्यों बिकॉज उनको आपके बिहाफ पे रिक्वेस्ट को हैंडल करना है राइट right? उनको इन पब्लिक कीज़ को ट्रांसफ़र करना है तो वो आपको एक सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करें इट्स अ सिक्योरिटी लेयर राइट तो इस चीज़ के वो आपसे मनी चार्ज करते हैं तो दैट इज हाउ एक सर्टिफिकेट वर्क करता है अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो इन कीज़ को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास कोई सेंट्रल चीज़ नहीं होगी सो so, दैट इज़ हाउ एक एस एस एल सर्टिफिकेट वर्क करता है एंड आप खुद के साइन सर्टिफिकेट्स भी बना सकते हो बट वो वेरीफाइड नहीं होंगे ओके okay? खुद के साइन सर्टिफिकेट्स आप बनाने के लिए आप एक यहाँ पे सर्च कर सकते हो तो अगर आपको खुद के लिए साइन सर्टिफिकेट्स बनाने हैं तो आपको मैं ये लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में आप इसको पढ़ सकते हो दैट आप ओपन एस एस एल सी एल आई को यूज़ करके आप लोकल होस्ट के लिए भी सर्टिफिकेट्स बना सकते हो इनको कहते हैं सेल्फ साइन सर्टिफिकेट्स बट ओनली प्रॉब्लम क्या होगा दैट आपका ब्राउजर बोलेगा दैट ये जो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट्स है ना ये वेरीफाइड नहीं है किसी इश्यूअर ने नहीं दिया हैं तो एक वार्निंग रहेगी बट यस तो ये लिंक मैं आपको दे दूंगा आप खुद के सर्टिफिकेट्स भी बना सकते हो इससे क्या होगा आपकी एक प्राइवेट की होगी एक पब्लिक की होगी एंड लोकल होस्ट के लिए होगी लोकल होस्ट डोमेन के लिए एंड लोकल होस्ट के ऊपर भी आप एस सर्टिफिकेट को लगा सकते हो so, आ, आप सो आप इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करना ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा सो दिस वॉज द होल वर्किंग ऑफ एस सर्टिफिकेट्स एंड किस तरह से हम सिक्योरली कम्युनिकेट करते हैं इंटरनेट के ऊपर सो so, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना इस तरह की अगर और एक्सप्लेनर वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट्स में बता सकते हो एंड दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देन बाय बाय एंड टेक केयर